नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है द इन्वेस्टमेंट गुरु जी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग दो चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। पहली तो बात है बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व में जो धमाकेदार तेजी हुई, तो उसके बारे में बात करेंगे। कौन से इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस है उसके बारे में बात करेंगे। और दूसरी बात रहेगी यहाँ पे कंपनी ने ऐलान किया है बोनस और स्प्लिट का, तो एक्जैक्टली क्या न्यूज है तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, फटाफट वीडियो को शुरू कर देते हैं। उससे पहले जरूर कहना चाहूंगा, अब तक आपने द इन्वेस्टमेंट गुरु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। इसके साथ बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूले ताकि हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं न्यूज की जो यहाँ पे बजाज फिनसर्व के लिए आज के दिन में निकल के आ रही है। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे कंपनी ने बोनस का और डिविडेंड का दोनों के यहाँ पे ऐलान किया है, तो दोनों यहाँ पे चीज एक ही साथ मिलने वाली है। ऐसा रेयरली देखा जाता है कि डिविडेंड देते हैं या फिर बोनस देते हैं, लेकिन यहाँ पे बजाज फिनसर्व ने यहाँ पे एक साथ दोनों का यहाँ पे डिक्लेरेशन किया है। दोस्तों, अगर हम लोग पहले तो डिवीजन की बात करें तो सब डिवीजन यहाँ पे थी हुई है। पहले जो है फेस वैल्यू थी 5 और उसके बदले अभी फेस वैल्यू हो जाएगी 1। तो इसका मतलब है अगर आपके पास ऑलरेडी एक शेयर होगा तो उसके आपको कितने मिलेंगे, 5 शेयर मिलेंगे। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। उसके साथ दोस्तों, अगर हम लोग बोनस की बात करें तो बोनस इशू किया गया है 1-1 बोनस, यानी कि आपके पास एक शेयर होगा तो एक आपको मिलेगा। तो दोस्तों, इसका मतलब है अगर यहाँ पे हमारे पास एक शेयर होगा तो उसके बदले हमें 5 शेयर मिलेंगे एज ए डिविडेंड के तौर पे, और यहाँ पे 5 शेयर के बदले यहाँ पे 5 शेयर मिलेंगे, तो यानी कि 10 शेयर मिलेंगे। तो इन शॉर्ट यहाँ पे अगर हमारे पास एक शेयर होगा तो हमें 10 शेयर यहाँ पे बजाज फिनसर्व के मिलने वाले हैं। दोस्तों, आज के दिन में बजाज फिनसर्व में एज वेल एज बजाज फाइनेंस में 10% की रैली हुई है। अगर हम लोग यहाँ पे बजाज फिनसर्व की बात करें दोस्तों, तो आज के दिन 10% रैली हुई। पिछले 5 दिन की बात करें तो 14% की ऑलरेडी रैली हो चुकी है। दोस्तों, इस क्वालिटी के स्टॉक बजाज फिनसर्व हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया, जो स्पेसिफिकली जो है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर है पुणे में, और इसकी बात करें तो ये फोकस करते हैं लेंडिंग, एसेट मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट, इंश्योरेंस, इस टाइप की सर्विसेज में। दोस्तों, ये जो बिजनेस है वो आने वाले कई सालों तक चलने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे कोर बिजनेस समझिए और उसके बाद निवेश कीजिए। दोस्तों, ये जो स्टॉक है बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है, और ऐसे स्टॉक लंबे टाइम के लिए होल्ड करने की मैं सलाह देता हूँ। तो डेफिनेटली हम लोग शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस नहीं देखेंगे, जब भी ऐसे स्टॉक में डिप मिलती है तब आपको खरीदारी करनी है। पिछले 5 साल का परफॉर्मेंस देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे 175% का रिटर्न दिया है दोस्तों, तो एक शानदार रिटर्न दिया है। और अगर हम लोग मैथ्स की बात करें दोस्तों, तो आप चौंक जाओगे, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो 2216% का यहाँ पे रिटर्न दिया है। तो एक शानदार रिटर्न स्टॉक ने आज के डेट तक दिया है, और आने वाले कई सालों तक यहाँ पे इस स्टॉक का दमखम है, बिजनेस का दमखम है, जो अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है। दोस्तों, अगर हम लोग बजाज फाइनेंस की भी बात करते तो वो भी स्टॉक आज 10% भागा है, अच्छा खासा यहाँ पे रैली हुआ है। ये स्टॉक लगभग रिसेंट की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे 5220 का लो लगाया था। अगर हम लोग पिछले 3-4 जो है यहाँ पे वीक के पहले की बात करें तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं लगभग इसी दौरान यहाँ पे स्टॉक ने जो है 1 महीने के पहले जो है 5200 का लो लगाया। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो लगभग 28% की रैली हुई। दोस्तों, यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, जब भी ऐसे स्टॉक लो वैल्यू पे मिलते हैं, कम वैल्यूएशन पे मिलते हैं, जब भी स्टॉक गिरे हुए मिलते हैं, तो ऐसे स्टॉक में आप निवेश कर दीजिए। आपका डेफिनेटली कुछ ऐसा अमाउंट है जो आप साइड रख सकते हैं, और जब भी करेक्शन आता है ऐसे स्टॉक में तो बेझिझक ऐसे स्टॉक में निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। दोस्तों, इस स्टॉक का परफॉर्मेंस देखिए तो पिछले 5 साल में लगभग स्टॉक ने 3 टाइम्स रिटर्न दिया है। और मैक्स की बात करें तो आप चौंक जाओगे, क्योंकि यहाँ पे 1,22,778% दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, एक मल्टीबैगर तौर पे अब तक रिटर्न दिया है। अगर हम लोग कोविड की बात करें तो यहाँ पे प्री कोविड लेवल से अगर हम लोग देखें दोस्तों, तो प्री कोविड लेवल से भी 47% का रिटर्न दिया है 2 साल में। तो लगभग मोटा मोटी ये स्टॉक जो है 20-25% रिटर्न देने का दमखम रखता है ईयरली बेसिस पे फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। दोस्तों, ऐसे स्टॉक में मैं बिल्कुल भी यहाँ पे एग्जिट करने की सलाह नहीं दूंगा। जब भी आपको ऐसे स्टॉक गिरे हुए मिलते हैं, कम प्राइस में मिलते हैं, तो ऐसे स्टॉक में ऐसे जो है रीजन में आप निवेश करिए। SIP के जरिए ऐसे स्टॉक में निवेश करना है और धीरे धीरे निवेश करना है, तो ताकि हमें जो है ऐसे स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में बने रहे और अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न दे पाए। तो दोस्तों, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि आपका हर एक लाइक कमेंट हमारा मोटिवेशन बढ़ाता है। एज वेल एज अगर किसी स्टॉक के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। तो दोस्तों, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।